इस बीच आपको बता दें, ड्रग्स का ये पूरा मामला किस तरह से आगे बढ़ रहा है। बॉलीवुड में अब ये आंच एक तरह से दीपिका पादुकोण की गिरेबान तक भी जाता हुआ, क्योंकि करिश्मा जो कि मैनेजर थी उनसे व्हाट्सएप चैट सामने आया है और दीपिका पादुकोण का भी नाम आया है सामने। करिश्मा से इस वक्त भी पूछताछ हो रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए अक्षरा सिंह हमारे साथ एक्ट्रेस इस वक्त आज तक पर जुड़ रही है। अक्षरा जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, एक इनसाइडर के तौर पर आप किस तरह की जानकारी देंगे बॉलीवुड्स में ड्रग्स का जो ये पूरा मामला एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं, ए लिस्टर का नाम आना, टॉप स्टार के तौर पर आज दीपिका पादुकोण की पहचान है, उनका भी एक व्हाट्सएप चैट सामने आना, क्या बताता है अक्षरा सिंह? ये एक बेहद शॉकिंग न्यूज है हम सबों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, बिकॉज हम सबों के लिए वो एक रोल मॉडल के रूप में थी और सिनेमा समाज का आईना होता है और यूथ के लिए फिल्म स्टार ही आइकन होते हैं और अभी के डेट में तो लोग भगवान की तरह पूछते हैं स्टार्स को, और उसके बाद अगर इस तरीके का न्यूज आएगा सामने तो शायद जितने फैंस हैं या जितनी युवाएं हैं हमारे देश में वो सब प्रभावित होंगे बहुत बुरी तरह। आपने करीब से कुछ देखा ऐसा ड्रग्स कास्टिंग काउच जिस बात को रवि किशन ने देश की संसद में कहा कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, ये कह के प्रोड्यूसर्स यंग एक्टर्स को अपने शिकंजे में लेते हैं, सौदेबाजी करते हैं, आपका कोई भी ऐसा एनकाउंटर रहा इंडस्ट्री में? जी नहीं, उस तरीके का तो नहीं रहा, लेकिन हाँ जब मैं सीरियल कर रही थी उस दौरान मैंने काफी सारे लोगों को ड्रग्स लेते देखा भी था, लेकिन कभी उस जगह जाने का जी नहीं हुआ। हर लोग ऑफर करते हैं वहां पे छोटे छोटे एक्टर्स को, अपकमिंग्स को, कि अरे यार, और वैसे भी आप यूपी बिहार से अगर आते हैं तो आपको बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है बॉम्बे में, तो ये लोग ऑफर करते हैं और फिर अगर आप ना कर दें तो आपको मतलब उस गैंग से आपको एकदम ही दूर कर देंगे, हाय हेलो भी नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज की आप हमारे साथ सो कॉल रहने लायक नहीं हो। इस चीज के शिकार हमारे सुशांत जी भी हुए, उनको भी दरकिनार कर दिया जाता था। ऐसे कोजी सर्कल चलते हैं इंडस्ट्री में, मतलब जो ड्रग्स कर रहा है हमारे साथ वो हमारा दोस्त यार, वो तो क्लास में रहने के लायक है, बाकी सब साइड में। हाँ, इसको हाई प्रोफाइल वहां पे शब्द से मतलब नवाजा जाता है एक तरीके से, इसको हाई प्रोफाइल कहा जाता है, हमारी सोसाइटी हाई प्रोफाइल है और बहुत ही क्लासी है अगर आप ड्रग्स करते हैं तो, या अगर आप नशा करते हैं तो। आप कह रही थी आप सीरियल में काम कर रही थी तब आपने देखा, तो ये टेलीविजन इंडस्ट्री में भी है? टेलीविजन इंडस्ट्री में भी है मैम, ये बॉम्बे में क्या पूरे देश भर में भी चल रहा है बहुत तेजी से, लेकिन बॉम्बे में इसकी पैठ बहुत जबरदस्त है और मुझे लगता है कि इसमें जो ये गैंग है ना उस पर जांच होनी चाहिए कड़ी से कड़ी, और जो पेडलर्स हैं उनको पकड़ना चाहिए, और यही हाई टाइम है कि इसका सफाया होना चाहिए, अदरवाइज हमारी देश की युवाएं वो सब बुरी तरह खत्म होंगी और इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगी। अक्षरा, इस पर आवाज उठाने की हिम्मत कोई भी यंग स्टार क्यों नहीं कर पाता है? कितने ताकतवर हैं ये लोग, कैसे रूल करते हैं ये इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से कई लोग शायद सकम कर जाते हैं, यानी सोचते हैं कि किसी तरह से इस ग्रुप में घुस जाओ वरना आप साइड में रह जाओगे। कैसा एक बुलिंग का कैसा सिस्टम चलता है इनका, वो बताइए। ये बेहद आश्चर्यजनक बात है कि ये सब एक ग्रुपिज्म हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, जिसमें इनका एक गैंग बना हुआ है कि भाई हम जितने बड़े लोग हैं वो सब एक तरफ हैं और उनके पीछे 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 ये लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, ये जो बोलेंगे वही हम लोग करेंगे, और उसमें से अगर एक कोई इक्का दुक्का कोई आवाज उठाने वाला पैदा हो जाता है तो उसको एकदम दरकिनार कर दिया जाता है इंडस्ट्री से ही, और जिसका प्रमाण आप काफी दिनों से हम न्यूज में देख पा रहे हैं, जिस तरीके से नाम आ रहा है सामने, आज रवि किशन जी ने संसद में जो मांग की, उन्होंने कुछ भी गलत मांग नहीं की, हमारे युवाओं के लिए मांग की, हमारे देश के लिए मांग की कि ये ड्रग्स पे कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, और जितनी भी बड़ी मछलियां हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये जल्द से जल्द ये चीजें
समाज से हट सके, उसमें एक टिप्पणी करना और एकजुट हो जाना इस चीज का गवाह है कि वहां पे एक एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हैं? अगर आप गलत नहीं है तो आपको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता क्यों है? आप एक बड़े उम्र दराज हैं, आप एक बड़ी उम्र दराज महिला हैं और आप इंडस्ट्री में न जाने कितने सालों से काम, आपने कितना साल बिता दिया अपना, उसके बाद आपके ऐसे बयान कि थाली में छेद करता है या जो भी आप बयान देते हैं, आपको तो और साथ देना चाहिए। आपके घर में भी बच्चे हैं, आपको तो साथ देना चाहिए कि इंडस्ट्री में जल्द से जल्द सफाया हो सके इन चीजों का। मतलब अक्षरा, क्या ये बेनिफिट ऑफ डाउट जया जी को दिया जा सकता है कि वो इन तथाकथित ड्रग गैंग्स के बारे में नहीं जानती हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि हाईएस्ट टैक्स पेयर्स, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड का, उसको लोग बदनाम कर रहे हैं, गटर कह रहे हैं और ड्रग्स की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आई एम अशेम्ड, मैं शर्मिंदा हूं कि इस तरह की बात हो रही है। उन्होंने बड़े सख्त शब्द इस्तेमाल किए। तो अब जब दीपिका या और भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस के नाम आ रहे हैं, इस पे मैम का क्या टिप्पणी है, इससे पता चलेगा कि वो क्या सोचती हैं। मे बी वो पॉलिटिकली बहुत मजबूर होंगी जिस वजह से उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा शब्द उन्हें प्रयोग करना चाहिए। बीइंग अ यूथ मैं ये बात कह रही हूँ, और मुझे लगता है ऐसा पूरा देश इस वक्त ऐसा बात कर रहा है कि आप भली भांति जानती होंगी और मैं भी, शायद हो सकता है कि आप नहीं भी जानती होंगी, फिर भी आपका इस तरीके से कहना आई डोंट थिंक कि इट इज गुड। और अभी उनसे राय लेनी चाहिए कि अब उनका क्या कहना है। अब जब चीजें सामने आ रही हैं, अब वो क्या कहना चाहती हैं? अभी भी प्रोटेक्ट करेंगे या अभी भी जांच की मांग करेंगी? वो ये तो खैर उनका प्रेरोगेटिव है, वो कब क्या बोलना चाहती हैं। लेकिन ठीक है, आपने अपना सवाल पूछा है, जरा आपके जरिए हम लोग इंडस्ट्री में, क्योंकि बड़े कम लोग होते हैं दरअसल जो हिम्मत कर पाते हैं सामने आकर बताने की, ये जो ड्रग्स का प्रचलन आप बता रही हैं या फिर कोजी गैंग्स जो कोनों में बैठे होते हैं, ये सिर्फ ड्रग वाले हाउस पार्टीज में ये सब कुछ सीमित है या फिर वर्क प्लेस में भी ये कल्चर पहुंच गया है या फिर जो सिटिंग्स होती हैं कहां कहां पर, ये जरा हमें बताइए, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे एक इनसाइडर के तौर पर। जहां तक मैंने काम किया है सीरियल्स में, तो टीवी इंडस्ट्री में ये बहुत ही ओपन है, और मे बी बॉलीवुड में एक नाम का, एक पहचान का, या आप एक जगह पे जब पहुंच जाते हैं तो मे बी उसका एक डर हो, इसलिए हाउस पार्टीज की जाती होंगी। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में तो काम के जगहों पे भी लोगों को मैंने करते देखा है। सेट पर या अपने वैन्स जी, में? जी सेट पर। सेट अब पर। शायद इसको बहुत ही यू नो हाई प्रोफाइल या क्लास का नाम देते हैं लोग, मे बी इसलिए स्टाइल के तौर पे भी करते हो। हैश या फिर हाई एंड ड्रग्स भी, हार्ड ड्रग्स जिन्हें कोकेन, व्हाइट पाउडर, ये सब जो होता है, हम लोगों को तो नाम ही नहीं पता है, ये पूरी रिसर्च अभी करने पा रही हूं। मैं नहीं जानती हूं व्हाट इट इज, आई रियली डोंट नो अबाउट इट, लेकिन हाँ मैंने देखा है कुछ पैकेट्स वगैरह में कुछ यूज करते हैं ये लोग। हालांकि मुझे मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए मुझे अंदर उस चीज में शामिल नहीं किया गया, इसलिए मैं ज्यादा गौर से देख नहीं पाई या मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती। ऐसे बहुत सारे आपके जैसे न्यू कमर्स होंगे जो इस कोजी सर्कल से छूट जाने की वजह से जी कई सारी अपॉर्चुनिटीज, अवसर उनके हाथ से निकल जाता होगा, लेकिन ये रिस्क उठाना पड़ेगा। जी यहाँ हर लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी आवाज रखने की, अपनी बात रखने की, अपने लिए, अपने वजूद के लिए खुल के मांग करने की, उनमें से एक मैं भी हूँ मैम, और न जाने और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए स्टैंड कर लेते हैं, और मैं अगर स्टैंड अपने लिए लेती हूँ तो मैं इस चीज में बहुत खुश हूँ कि मैं, मुझे बहुत सारा काम नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं इन सब चोचलेबाजी से बहुत दूर हूँ। बेशक कम काम करूँ, अपना नाम बनाऊ, बेशक छोटे जगह से अपने आप की शुरुआत करूँ मैं, लेकिन उन जगहों पे नहीं जाना चाहती जहां इस तरीके से जिल्लत की जिंदगी हो, जहां इतना चकाचौंध हो और उसके पीछे इतनी सारी गंदगियां हों। धन्यवाद आपका अक्षरा सिंह, हमारे साथ अभिनेत्री जुड़ी हुई थी जिन्होंने पूरी बात स्पष्टता के साथ बताई है। अब ये
जांच का विषय है कि कहां तक मामला पहुंचता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं उनके हौसले बुलंद हैं, उनकी हिम्मत बुलंद है, इसीलिए ये आवाजें आज इंडस्ट्री से बाहर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।